गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि कल की क्लास में हमने स्वरों और व्यंजनों के बारे में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी, आज एक बार फिर हम आलोकन अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करते हैं। और जो आपके जो फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं, उस फीडबैक्स के आधार पर हम जो चीज़ों को जो है और सिंप्लीफाई मैनर में उसको लेकर के आए हैं। तो आज हम बात करेंगे जो ध्वनियों के जो गुण होते हैं उनके बारे में, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अक्षर के बारे में। अक्षर क्या होता है, अक्षर कैसे बनता है, अक्षर की संरचना कैसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और हिंदी में जब हम बात करते हैं तो उसके जो प्रोजोडिक फीचर्स हैं, उसके ध्वनि गुण हैं, उन ध्वनि गुणों से जो है वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और उस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है, और उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम ये बात करेंगे कि अक्षर क्या होता है, अक्षर की क्या एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है, अक्षर का अर्थ क्या होता है, अक्षर किसे कहते हैं, उसकी संरचना कैसे होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ध्वनि के गुणों के बारे में। तो आज हम जो कल की जो क्लास थी उसी का जो है सेकंड पार्ट के रूप में, हम इसको पार्ट टू के रूप में लेकर के आए हैं। जैसे हमने आज के इस टाइटल में भी लिखा है कि ये जो है हमारा जो है सेकंड पार्ट इसका है, और सेकंड पार्ट में जो है हम इसमें जो बात करेंगे, कल हमने जो बात की थी वो स्वरों के बारे में बात की थी, कल हमने बात की थी व्यंजनों के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे वो अक्षर के बारे में बात करेंगे, और ध्वनि के जो गुण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको जब हम विस्तार से देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो चीज़ें आती है उसमें ये आती है कि हम जब ध्वनियों का जो उच्चारण जब करते हैं तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक लेखन में भी कन्फ्यूजन होता है और बोलने में भी कन्फ्यूजन होता है, और वो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन की जो स्थिति है उसको हम अनुस्वार और अनुनासिकता की स्थिति बोलते हैं। अनुस्वार क्या होता है, और हिंदी में देखिए, हिंदी में तो इतनी जो जिस तरह का जो एक हिंदी का जो कोचिंग हो रहा है या हिंदी की जो क्लासरूम में जो टीचिंग हो रही है वो इतनी निराशाजनक है कि हिंदी के बारे में शायद हिंदी को पढ़ाने वालों को भी ठीक से जानकारी नहीं है। वो क्या पढ़ाते हैं, वो कहते हैं, कई लोगों के मैंने वीडियोस देखे, वो कहते हैं क्लास में आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, विशेषज्ञ बाद में बन जाना, अभी आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। उन लोगों को ये पता नहीं, अगर मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है वो थोड़ी सी गहराई में उतर जाए तो उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो क्लास में हिंदी की जो ग्रामर जो पढ़ रहे हैं, उसको किस लेवल का जो ग्रामर पढ़ाया जाता है। मैंने कई वीडियोज़ में देखा, यूट्यूब के कई वीडियोज़ में देखा, टीचर्स कह रहे हैं मेरा तो यही मानना है। अरे, आपके मानने से बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता, बच्चों का भविष्य सुधरेगा बच्चों को सही चीज़ पढ़ाने से। तो ये जो हिंदी में जो सही और गलत का जो एक पूरी की पूरा एक विमर्श चल रहा है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में जो बैठे हैं, एग्ज़ाम में जो अपने प्रश्नों को जो हल करें तो वो एक साइंटिफिक मैनर के साथ करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करें, एक्यूरेसी के साथ करें। उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसमें से चार विकल्पों में से सबसे अच्छा जो विकल्प है वो कौन सा है। कई बार ऐसा होता है तीन विकल्प एक जैसे ही लगते हैं, एक जो विकल्प होता है उसको छांटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो जो टीचर जो कहते हैं मेरा तो मानना ये है, अरे मानने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जो आप सैद्धांतिक रूप से जो आधारभूत जो चीज़ें हैं उसको एक एक चीज़ को क्लियर करके आप बताएंगे। तो मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, बात ये करना चाहता हूँ कि देखिए, जो हम हिंदी के जो हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है, हिंदी के अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे व्यवधान हैं, और व्यवधान जो वैसे तो भाषिक रूप से तो है, मुझे तो लगता है शिक्षकों के जो व्यवधान है, शिक्षकों के द्वारा जो जिस तरह की हिंदी पढ़ाई जा रही है वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। वो प्रश्न चिन्ह क्यों है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं। मैं विदेशी जो स्टूडेंट्स आते हैं उसको केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी पढ़ाता था, जब हम हिंदी का एक छोटा सा अगर उसको अगर फॉरेनर्स को, विदेशी बच्चे को अगर हम एक छोटी सी इंग्लिश की अगर उसमें कोई बात कर दें या किसी दूसरी उसमें जो बात कर दें, तो बच्चा सीधे क्लास में खड़ा होकर के टीचर से कहता है कि सर हम हिंदी पढ़ने आए हैं, हम अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए, और हम हिंदी वो पढ़ने आए हैं जो कि शुद्ध हिंदी है, जो आप द्वित वर्णों को जो जोड़ करके लिखते हो वो बच्चों को समझ में नहीं आता। और वो जो टीचर हैं वो कहते हैं कि मैं तो जो ए और ई है, जो जैसे क्रियारूप जो हम लिखते हैं, क्रियारूपों में जो लिखते हैं वो
ये पे मात्राओं का संधान होता है, ये श्रुति पे मात्राओं का संधान होता है। जैसे गए, लिखेंगे गए, टीचर कहते हैं मैं तो ऐसे लिखता हूँ, अरे आपके ऐसे लिखने से मतलब थोड़ी है, ये तो आप गलत लिखते हो तो इसका मतलब बच्चों को भी गलत पढ़ाओगे। तो ये जो ऐसी जो स्थितियाँ जो बनती हैं हिंदी में, ये बहुत बहुत सोचनीय और विचारणीय और चिंतनीय स्थितियाँ हैं जो कि बच्चों को भी गुमराह कर रही है। और वो टीचर जो है इस तरह के, आप यूट्यूब के वीडियोज आप खुद एनालिसिस कीजिए, मेरे कहने पर मत जाइए, आप यूट्यूब पे जो वीडियोज हैं उनके खुद आप एनालिसिस कीजिए, किसी के शक्ल और सूरत पे, किसी के उस पे मत जाइए, अनुभवों पे मत जाइए, आप देखिए एक्यूरेसी आपको कौन कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो टीचर कितना उसके बारे में गहराई से जान रहा है। तो ये जो आज हम जो बात करना चाह रहे हैं, ये हिंदी का एक सबसे दुखती हुई रग है, सबसे शोचनीय विषय है कि हम हिंदी को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो अनुस्वार और अनुनासिकता में फ़र्क नहीं करते हैं। ये अनुस्वार और अनुनासिकता जो है, इसको जब हम लेखन की बात करते हैं तो सिंपल जो डॉट, सामान्य जो बिंदु उसके शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं, तो ये जो शिरोरेखा के ऊपर जो ये बिंदु लिखते हैं ये तो अनुस्वार है, और जब हम चंद्रबिंदु लिखते हैं ये अनुनासिकता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको आप अच्छी से समझ लीजिए, इसको बारीकी से समझ लीजिए। आप ज़रूरी नहीं है आप कोई एग्ज़ाम पास करें, आप ज़रूरी सबसे पहले ये भी है, कल को आप अपने, मान लीजिए कि आप सपोज कहीं नौकरी नहीं लगते हैं, कल क्यों आप अपने खुद के बच्चों को ही पढ़ाएंगे तो क्या गलत पढ़ा देंगे? ज्ञान का कोई दायरा नहीं होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, और ज्ञान को सीमाओं में बांधने वाले लोग हैं वो अपने साथ तो धोखा करते ही हैं, दूसरों के साथ भी धोखा करते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है उसमें आप देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार और अनुनासिकता दोनों ही नासिक के ध्वनियाँ हैं, परंतु दोनों ध्वनियों में अंतर है। जहाँ अनुस्वार पंचमाक्षर है, जो हम नासिक जो लिखते हैं, नासिक में जो पांचवी जो ध्वनियाँ हैं जिसको मैंने कल आपको बताया, ए ए न मैं न, ये जो पांच जो नासिक ध्वनियाँ हैं इनको हम जहाँ पे भी पंचम वर्ण के रूप में लिखेंगे तो वो अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। और पंचम वर्ण में लिखने की जो वैज्ञानिक पद्धति है देवनागरी लिपि में, हिंदी में, इस पर हम कभी दूसरी क्लास में जो व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, तो उसमें पंचम वर्ण को जो लिखने की जो प्रक्रिया है वो अनुस्वार से लिखा जाता है। और हिंदी की जो खासियत है, हिंदी की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि हिंदी में जो पंचम वर्ण जिस वर्ण के ऊपर आता है या जिस पे पहले आता है उसके बाद वाला जो वर्ण होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम के तौर पर बताऊँ, जैसे आप लिखेंगे अंग, तो ये जो अनुस्वार है ये अनुस्वार क वर्ग का ए है। आप लिखेंगे चंचल, तो ये जो अनुस्वार है ये ए वर्ग का च वर्ग का ए है। आप लिखेंगे टंकण, तो ये जो है इसमें जो आप कई बार देखते हैं ये है। आप लिखेंगे डंडा, तो ये जो है ये वाला अनुस्वार, मतलब जो अनुस्वार जिसके ऊपर लिखता है उसके बाद जो ध्वनि आ रही है वो उसी का पंचम वर्ण माना जाता है। और आप ये देखेंगे कि इसमें इसकी जो लेखन की जो स्थितियां हैं ये बहुत बहुत कई बार ऐसी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न कर देती है जिसमें कि उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो जो सिंपल सी बात है, अनुस्वार जो है वो पंचमाक्षर है, और नासिक ध्वनियों की जो पंचम ध्वनि है वो ए है ण है न है मैं है, ये सारी की सारी जो है ये अनुनासिक के ध्वनियाँ कहलाती है, इसको अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, दूसरी जो सबसे बड़ी जो विशेषता है, ये स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, ये किसी के साथ ही आ सकती है, किसी के ऊपर आकर के ही अपना प्रभाव जता सकती है। आप इसको अलग से लिखेंगे तो उसका वो नहीं है, उसका उपयोग नहीं है, वह किसी न किसी स्वर के साथ ही प्रयुक्त होती है। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय मुख विवर में कोई अवरोध नहीं होता है, केवल इसके उच्चारण के समय वायु नासिका विवर और मुख विवर दोनों मार्गों से निकलती है, अतः अनुनासिक में स्वनमिक गुण होता है जबकि अनुस्वार जो है स्वतंत्र व्यंजन ध्वनि है। अनुनासिकता की जो स्थिति है वो दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाली स्थिति है। जैसे जब आप कोई भी ध्वनि है
उसको जब उच्चरित करते हैं, उसको जब बोलते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि आपका मान लीजिए प्राणवायु जो है, जो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन निकल रही है, वो प्राणवायु अगर मुंह और नासिका विवर दोनों से निकल रही है, ये आपको अगर एहसास हो रहा है, तो सिंपल सी थ्योरी है, वो अनुनासिक है। और अगर मान लीजिए वो स्वतंत्र ध्वनि है, उसका अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र रूप से है, उसके जो उसकी समान धर्मी जो उसकी जो ध्वनि है उसके साथ उसका प्रयोग हो रहा है, तो वो अनुस्वार है। दोनों के लिखने की जो प्रक्रिया है, पंचम वर्ण जो है, नासिक वर्ण जो है, अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं, और जो अनुनासिक जो ध्वनियाँ हैं, जो नाक और मुंह के दोनों पात से हवा निकलने के से उच्चरित होती है, वो जो ध्वनियाँ होती है वो अनुनासिक कहलाती है। इसमें आप देखेंगे अनुस्वार का चिन्ह ये बिंदी है तथा अनुनासिकता का चंद्र बिंदु है। इनके भेद के अर्थ को अगर हम समझें तो आप देखिए, हमने एग्जाम्पल लिए हैं, हंस, हंस मीन्स हंसना, टू लाफ, हंस जो पक्षी होता है, अंगना इत्यादि, जहाँ ऐसे जो चीज़ें होती है, इसको हमने उदाहरण के तौर पे भी समझाया आपको कि हंस का मतलब पक्षी है, और ये जो हंसना है इसका अर्थ हंसना धातु से है, अंगना का अर्थ जहाँ सुंदर स्त्री से है, वहीं अंगना का अर्थ जो है वो आंगन से है। तो ये जो इसके जो उच्चारण की जो प्रक्रिया है, इसके लिखने की जो प्रक्रिया है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है, इसको आप ठीक से जान करके और अपने आप त्रुटियों से बच सकते हैं। ये इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको कई लेवल पे आते हैं, शब्द शुद्धि में आते हैं, संधियों में आते हैं, दूसरी जगह पर जो आते हैं, स्वतंत्र रूप से इसके जो प्रश्न आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। दूसरी एक जो स्थिति है उसमें हम देखते हैं हलंत की स्थिति, जो हिंदी में जब हम लिखते हैं तो ये पाते हैं कि कई ध्वनियाँ ऐसी है जो कि स्वर के बिना लिखी जाती है, उसमें हमें हलंत का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसमें जो आपका लेखन जो है त्रुटिपूर्ण हो सकता है। हिंदी में हल चिन्हों का प्रयोग अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हल चिन्हों का प्रयोग कहाँ करें और कहाँ ना करें, ये एक असमंजस की स्थिति है। क्या केवल तत्सम शब्दों में ही हल चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए? यदि हाँ, तो हिंदी में जितने भी अकारांत शब्द होते हैं वे सभी व्यंजनांत होते हैं, फिर उनमें भी हल चिन्ह लगाया जाना चाहिए। हल को लेकर ऐसे प्रश्न उठने स्वाभाविक है। इस तरह से हल चिन्हों का प्रयोग प्रत्येक शब्दों में प्राय करना पड़ेगा। भाषा को सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए, न कि दुरह और अस्पष्ट। काम शब्द हिंदी में व्यंजनांत है, लिखा जाना चाहिए काम, परंतु लिखा जाता है काम। इसी प्रकार कलम, मार, चाक, काल, दिन, रात, हाथ, न्यास आदि सभी जो स्थितियाँ इसमें जो है व्यंजनांत है, उसमें जो आखिरी जो ध्वनि है, उसमें जो ध्वनि का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो अभी इसको आपको बताया, काम आप लिखेंगे तो इसमें ध्वनियों का जो विग्रह करेंगे, क प्लस ए प्लस मैं हलंत ये लिखेंगे, जबकि लिखा क्या जा रहा है, क प्लस ए प्लस मैं प्लस ए। ये इस तरह से जो मैं में जो ए का जो स्वर मिलने से जो बना है, उसके जो लिखने में जो हलंत का जो प्रयोग है, उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। और अब हिंदी में इन हल चिन्हों का प्रयोग न के बराबर किया जा रहा है, हाँ जहाँ अर्थ शब्द भेदक होंगे वह संदर्भ से भी लिया जा सकता है। तो ये जो है इस स्थिति से आपको बचना होगा। इस स्थिति में कई बार स्थिति हास्यास्पद हो जाती है, उससे आपको बचना होगा। आगे जो हम बात कर रहे थे, एक और स्थिति आती है जिसको हम संध्याक्षर बोलते हैं। संध्याक्षर की जो स्थिति आती है, ये भी एक कई बार एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न के तौर पे पूछी जाती है, और जिन स्वरों का उच्चारण जिव्या में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरकती है, ऐसे उच्चरित स्वर ध्वनियाँ संध्याक्षर कहलाती हैं, जैसे आई, औ आदि, जैसे भैया, गैया, मैया, कौआ आदि में इया और उआ का संध्याक्षर है। संयुक्त स्वर ए और औ और संध्याक्षर ए ई और में मूलभूत जो अंतर है वह यह है कि संयुक्त स्वर एक ही श्वासाघात में उच्चरित ध्वनि है, जबकि संध्याक्षर एक से अधिक श्वासाघातों में उच्चरित होती है। इस स्थिति को जब हम देखते हैं तो पाते हैं
ये जो स्थिति है वो आगे की हमारी जो दूसरा जो टर्म है, जो भाषा विज्ञान का और व्याकरण का जो टर्म है अक्सर जिसको हम बोलते हैं उससे जुड़ा हुआ है, और इसको देखते बोलते हैं हम सिलेबल। अक्सर एक ध्वनि है अथवा ध्वनियों का समूह, ये एक श्वासाघात में उच्चरित होते हैं अथवा एक से अधिक श्वासाघात में, अक्सर ही वर्ण है अथवा वर्णों का समूह आदि पर विचार करने से पूर्व कुछ भाषाशास्त्रियों में के अक्सर से संबंधित मत द्रष्टव्य है। जैसे उदय नारायण तिवारी जी ने लिखा है, अक्सर शब्द के अंतर्गत उन ध्वनियों ध्वनि समूहों को छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं जिनका उच्चारण एक ही साथ हो, जिन्हें विभक्त करके बोलने में उसका कोई अर्थ प्रकट न होता हो, ऐसी स्थिति में जो होती है उसको अक्सर बोलते हैं। और ये जो परिभाषा जो दी है उन्होंने भाषाशास्त्र की रूपरेखा में उदय नारायण तिवारी जी ने लिखा है। इसके साथ साथ इसकी जो दूसरी जो परिभाषा है उस पर भी हम विचार करेंगे, और विचार करने के बाद हम बात करेंगे कि अक्सर वास्तविक रूप से होता क्या है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो बाबूराम सक्सेना जी ने दी है, और बाबूराम सक्सेना जी जो है उनका कहना है संयुक्त ध्वनियों के छोटे समूह को अक्सर कहते हैं, और अक्सर की ध्वनियों का एक साथ अति सन्निकटता से उच्चारण होता है। प्राचीन भाषाविज्ञों का विचार था कि स्वर ही अक्षर बनाने में समर्थ होता है, और जितने व्यंजन उसके साथ लिपटे हों उनको साथ लेकर वह अक्षर कहलाता है। सामान्य भाषा विज्ञान की जो पंचम संस्करण है इसमें ये बाबूराम सक्सेना जी ने कहा है। एक और परिभाषा है जो कि प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी भोलानाथ तिवारी जी ने दी है, और उनका कहना है कि एक या अधिक ध्वनियों वर्णों की उच्चारण की दृष्टि से अव्यवहारित इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में किया जा सके अक्षर है। ये भोलानाथ तिवारी जी ने भाषा विज्ञान में उनकी जो प्रसिद्ध किताब है उसमें लिखा है। और इन तीन परिभाषाओं के आधार पर मेरा अपना जो मानना है वो ये कि उपरोक्त बातों के आलोकन में अक्षर की जो परिभाषा है वो इस प्रकार होगी, एक ही श्वासाघात में उच्चरित ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को अक्षर कहते हैं। मतलब अक्षर का जो उच्चारण है वो एक ही श्वासाघात में एक ही झटके में होना जरूरी है। अगर आप बीच में कहीं रुकते हैं तो फिर उसका जो आप जहां रुकते हैं वहीं पे उसका जो है दूसरी स्थिति बन जाती है। और ऐसी स्थिति को जब आप देखते हैं तो मैं आपको इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, जिसमें आप जो है इसकी जो सोनोरस स्थिति है इसका जो मुखरता की दृष्टि से इसको हम परिभाषित करते हैं। यदि एक ही श्वासाघात में कई ध्वनियाँ एक साथ उच्चरित होती है तो उनमें एक मुखर ध्वनि होती है, मीन्स सोनोरेट होती है। वाक् ध्वनियों में सबसे मुखर ध्वनि स्वर होती है, अतः स्वर ध्वनियों अथवा ध्वनि समूह में जितनी संख्या मुखर ध्वनियों अथवा स्वरों की होगी उतने ही अक्षर होंगे। हिंदी में जिन शब्दों में जितने स्वर होते हैं उतने अक्षर होते हैं। अक्षर का विभाजन प्रत्येक श्वासाघात के आधार पर, जो मैंने आपको परिभाषा में व्हाइट कलर की जो ये दी है इसमें बताया कि उसका एक श्वासाघात में उच्चरित होना जरूरी है। प्रत्येक स्वर अक्षर होता है, अतः स्वर अक्षर ही कहलाते हैं। जो स्वर की जो स्थिति है उसको अगर हम जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि उसको जैसे अभी हम ब्रेक करके आपको बताएंगे कि कैसे एक अक्षर को दूसरी ध्वनि से ब्रेक करके उसकी जो है सीमा का निर्धारण होता है वो कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम आप विचार करेंगे। जब हम अक्षर के विभाजन की जब बात करते हैं तो हम पाते हैं कि अक्षर का जो विभाजन है उसके लिए उसके जो निकट की जो ध्वनि है वो किस तरफ जा रही है, उसका झुकाव किस तरफ जा रहा है, हमारा जो स्ट्रेस है, हमारे जो बलाघात है, हमारे बल का जो घात है वो कौन सी जगह पे है, उस स्थिति से अक्षर के विभाजन की सीमा निर्धारित होती है। और हम बात करते हैं तो अगर इसको परिभाषा के रूप में जोड़ते हैं या उसके अर्थ के रूप में समझते हैं तो शब्दों के सही उच्चारण के लिए अक्षरों का विभाजन कहाँ से करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये शब्द या तो एकाक्षरी होते हैं या अनेकाक्षरी। एकाक्षरी शब्दों के उच्चारण में जो मुखर ध्वनि है उस पर बलाघात भी होता है, परंतु जहाँ अनेकाक्षरी शब्द है उच्चारण में विभाजन ठीक होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे वक्ता एक शब्द है, वक्ता, आप इसको अगर सामान्य लेखन में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, अगर आप इसको जो परंपरागत उसमें लिखेंगे तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे। लिखने का तरीका आप कोई भी अपनाएं, ये दोनों हिंदी में मान्य है, पर जब आप इसको अक्षर विभाजन की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें जो ध्वनियों का जब हम विभाजन करेंगे तो वह
और क जो है एक साथ आता है, और तय और आ ता जो है वो एक साथ आता है। इसके विभाजन की स्थिति को जब हम देखते हैं तो ये आपका का जो है वह के साथ जाएगा और ता इधर रहेगा, तो ये दो अक्षरों का एक शब्द हो गया, न कि वह और ता। ये लिखने में जो इस तरफ जो जा रहा है, इसका झुकाव इस तरफ जा रहा है, पर अक्षर विभाजन की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसका जो भाषिक जो संरचना का जो ढांचा है, व्याकरणिक संरचना का जो ढांचा है, वो पहले वाली ध्वनि के साथ आते हैं, और उसकी वजह से जो है इसका जो झुकाव है वो पहले के साथ आता है। इसका जो विभाजन की इसकी जो सांचा है, उस सांचे की हम अगले एग्जाम्पल में बात करेंगे। पर अगर दूसरा उदाहरण हम देखें तो एक शब्द है पक्का। पक्का शब्द में अर्थ का विभाजन भी वही वक्ता की तरह ही, के जो है पै के साथ जाएगा, का जो है इस तरफ रहेगा, ना कि ये इस तरफ। ये इस तरह के जो अक्षरों के विभाजन की जो प्रक्रिया है उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी। इसमें आप ये देखेंगे कि कई जो अक्षर हैं वो एक एक ध्वनि के भी होते हैं, जो स्वरों से जो कई सारे जो शब्द बनते हैं वो एकाक्षरी भी होते हैं। जैसे आ, आ जो है किसी को बुलाने के लिए आ क्रिया का जो रूप है, धातु है, उसके लिए है। या इस तरह की जो ध्वनियाँ हैं वो एक अक्षर के रूप में प्रयुक्त होती है। पर अगर हम बात करते हैं कि अक्षरों के विभाजन में कौन से फार्मूले आते हैं, तो हिंदी की जो शब्द संरचना है, हिंदी शब्दों की जो संरचना है, उसमें हमें पांच तरह के अक्षरों के छांचे मिलते हैं, जिसको विस्तार से आप देखेंगे तो भाषा विज्ञान की जो अच्छी जो किताबें हैं उनमें उसके आपको वो मिल जाएंगे, सांचे मिल जाएंगे। और आप अगर यह समझना चाहो तो आप देखेंगे एक व्यंजन और एक स्वर का योग। अगर हम बात करेंगे जैसे गा, तो गय में जैसे आप लिखेंगे ग प्लस आ गा, तो ये एक एक अक्षर हो गया, ग और आ, क और का, रा और रा। इस तरह से जो है आप इसको एक अक्षरों की श्रेणी में रख सकते हैं। दो व्यंजनों का जो है उसके स्वरों को जब हम देखते हैं तो उसका जो स्वरों का जो योग है वो आप, ये हमारी जो संयुक्त जो वर्ण है, कक्षा वाला स है, त्रय वाला त्रय, गे वाला गे है, या काम में जो है ये तीन ध्वनियों का वो है, इस तरह की जो संरचना आपको दो अक्षरों के दो जो व्यंजन है उसके साथ है, उसकी स्थिति में मिलती है। तीसरी जो बात हम बात आपको बताना चाहते हैं, तीन अक्षरों की जो संरचना है जिसको हम त्रिअक्षरी बोलते हैं, उसके योग में आप देखेंगे तो उसका बाइफरकेशन आप देखेंगे। जैसे क्रस है, क्रस को अगर आप लिखेंगे तो क र ई स, तो इसको हम उसमें बांटेंगे तो इसको आप देखेंगे तो इसमें तीन अक्षरों की आपको संरचना मिलेगी। तीन क्रम में जब देखेंगे तो इसकी की जो संरचना आप उसमें देखेंगे। ऐसे ही चार में चार उसके जो है आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ चलेंगे तो इसमें जो है उसके अक्षरों की संरचना में जो है क्लिष्टता आती जाएगी। और पाँच अक्षरों में जो आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह के अक्षरों की संरचना मिलेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आक्षरिक जो संरचना है, स्लेबिक जो स्थिति है, उस स्लेबिक स्थिति को जो है हम एक वैज्ञानिक तरीके से, व्याकरणिक तरीके से समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि हमारी जो अक्षरों की जो संरचना है, आक्षरिक जो संरचना है, वो अपने आप में एक वैज्ञानिकतापूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त संरचना है, उसको समझने की जरूरत है। अब हम तीसरी जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ध्वनि गुणों से संबंधित है। ध्वनि गुण, जैसे मैंने आपको बताया, कई बार हम जब बोलते हैं तो हम पाते हैं कि जो ध्वनि के जो गुण हैं उसकी वजह से हमारी कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार ध्वनियों की जो स्थिति है उसको उसके स्ट्रेस की वजह से, उसके आघात की वजह से उनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे को अगर हम डिफाइन करें तो ध्वनियों के साथ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु वे अपने आप में ध्वनि नहीं होते हैं, इन्हें ध्वनि गुण कहा जाता है। सुप्रा सेगमेंटल फीचर इसको भाषा विज्ञान में बोलते हैं, और इसको अगर हिंदी में उसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो आप खंडेतर ध्वनि कहा जाता है। ये ध्वनियाँ या ध्वनि गुण जो है वो पांच तरह की हिंदी में पाई जाती है। पहली है मात्रा, दूसरी है बलाघात, तीसरी है सुर या सुर लहर, चौथी है अनुनासिकता, और पाँचवीं है संगम जंक्चर। ये इस तरह की इन ध्वनियों को अगर हम देखते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे आपको, पहले मात्रा पर हम डिस्कस करेंगे,
मात्रा कैसे होती है, मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण में जितना समय लगता है, बोलने में जितना समय लगता है, फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो मुंह के बाहर निकलने में कितना समय ले रही है, कितना आघात आ रहा है, दबाव क्या है, हवा का दबाव कितना है, कम है या ज़्यादा है, उसकी मात्रा के आधार पर हम उसकी का निर्धारण करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम निर्धारण करते हैं तो वो दो तरह की ध्वनियाँ निकलती है, एक ह्रस्व होती है, एक दीर्घ होती है। यदि हम ये मात्राएँ अर्थवेदक होंगी तो इनको हम ध्वनियों को जो है स्वनिम मानेंगे, और स्वनिम एक अलग से भाषिक इकाई है, उसके बारे में आगे की क्लास में हम कभी बात करेंगे। पर यहाँ पे जो बात करने का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो है हिंदी के स्वरों में मात्रा के भेद के उदाहरण हमें इस तरह से मिल जाएंगे, जैसे आप कल बोलेंगे या काल बोलेंगे, इस कै का जो उच्चारण है इस के उच्चारण की अपेक्षा कम है, इस के का उच्चारण है वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा है। इस तरह ही आप जल को देखेंगे या तुल को देखेंगे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको इसके लिए हमने इसमें दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। हिंदी में व्यंजन ध्वनियों में भी काल की मात्रा होती है, और इसके लिए जो अर्थ का जो भेद होता है उसमें ये बहुत निर्भर करता है। और ये जो इस तरह की जो हिंदी की जो संरचना है इसको हम द्वित वर्णों की संरचना के साथ जोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था, ये द्वित रूप से जो प्रयोग करते हैं जिसमें पका और पक्का, ये यहाँ इसका आने से इसका दोनों में अर्थ का फर्क पड़ गया। सजा और सज्जा, पता और पत्ता, ये जो द्वित वर्ण है ये जो हम द्वित मात्रा की वजह से इसमें जो है अर्थों में परिवर्तन आया है, और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। दूसरी इसमें एक बलागात की स्थिति होती है, और ये जो बलागात की स्थिति होती है ये कई भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान इसका है, और उसको आप अगर डिटेल में समझेंगे तो इसमें पाएंगे। तो इसमें भी हमने, क्योंकि जहाँ पे भी कोई चीज़, अगर मान लीजिए कहीं कोई साइंटिफिक चीज़ सामने आ रही है तो हमने उसको परिभाषाओं के साथ आपके सामने लाने की कोशिश की है, ताकि आप अपना स्वयं का भी निर्णय कर सकें, और जो हिंदी को जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो आपके साथ जिस तरह का धोखा कर रहे हैं उस धोखे से आप बच सकें। एग्जाम्स में आप एक एक प्रश्न की जो मेरिट है उसकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। सपोज मान लीजिए आप एक उस पर्टिकुलर टीचर के कहने पर आप गलत कर देते हैं तो वो मेरिट आपकी जो है आपको हमेशा के लिए जीवन भर का पछतावा दे सकती है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमने जो साइंटिफिक जो डेफिनेशंस हैं उसको भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि उसके बारे में जो उस विषय के जो जानकार है, उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, वो उस विषय के जो विद्वान हैं उनका क्या कहना है, और उसके कहने के बाद ही आप अपने निर्णय पर जाइए। जैसे हम कहते हैं बोलते समय कभी कभी किसी ध्वनि पर विशेष जोर दिया जाता है तो उसे सामान्यतः बलागात कहते हैं। किसी ध्वनि विशेष पर या वाक्य या पद पर अन्य ध्वनि की अपेक्षा उच्चारण में अधिक प्राण शक्ति में घात लगता है, प्रेशर डालते हैं तो उसको हम बलागात कहते हैं। ये कहना है बाबूराम सक्सेना जी का, और ये बात उन्होंने कही है उनकी किताब जो प्रसिद्ध किताब है सामान्य भाषा विज्ञान। बलागात का अर्थ है शक्ति अथवा वेग की वह मात्रा जिससे कोई ध्वनि या अक्षर उच्चरित होता है। इस शक्ति के लिए फुफ्फस को एक प्रबल धक्का देना पड़ता है, और जो मैंने आपको वाग्य यंत्र के समय बताया था कि हमारी जो स्वर यंत्र के जो स्थिति है उस पे डिपेंड करता है। परिणाम तो एक से अधिक बल वाला निश्वास फेंकना पड़ता है जिससे प्राय ध्वनि में उच्चता की प्रतीति होती है, और ये कहना है डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी का, और ये बात उन्होंने कही है भाषा विज्ञान की भारतीय और परंपरा और पाणनी में उनकी किताब में आया है। तीसरी जो बात है उसको हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए आप निर्णय अपना कीजिए, आप किसी के कहने पे मत जाइए, को जो आपको जो टीचर्स हैं जो कि आपको गलत पढ़ा रहे हैं उस पे मत जाइए, आप अपना निर्णय कीजिए, निर्णय करके आप अपने निर्णय के साथ आगे बढ़िए। कम अथवा अधिक आघात का प्रयोग कुछ भाषाओं में अर्थ परिवर्तन का कारण होता है, जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट शब्द में यदि प्रथम पर अक्षर पर अधिक बल है तो आप इसको इस पी पे आपका अगर वो है तो ये प्रेजेंट में जो है आपकी उपस्थिति का अर्थ होता है, और यदि दूसरे पी पे ये आर पे जो है यहाँ पे स्ट्रेस है तो इसका मतलब आपका उपहार देना होता है। दोनों का जो मीनिंग है वो आप समझ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, मैंने रशियन लैंग्वेज पढ़ी है, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ी है, तो रशियन में क्या होता है, रशियन में ये जो स्ट्रेस है इसका बहुत हिंदी में भी महत्व है, इसको आगे बताएंगे हम, पर रशियन में एक शब्द है दोमा,
और इसको सेम ऐसे ही लिखा जाता है, पर स्ट्रेस जो रशियन जो भाषा है वो स्ट्रेसफुल लैंग्वेज है, उसमें जो जहाँ स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस का अंकन भी होता है, उसको अंकित भी किया जाता है कि उसको हम स्ट्रेस कहाँ मान रहे हैं। तो वहाँ पे अगर मान लो इसके ऊपर आपको ऐसा मिलेंगे तो इसका मतलब दोमा का मतलब घर, और अगर मान लीजिए ये स्ट्रेस का संकेत इस पे है तो इसका जो मतलब है घर पर, अगर इस डी पे है तो उसका सिंपल घर है, और अगर ये दोमा का जो स्टेज ए पे है तो उसका मतलब बदल करके हो जाता है घर पर। ऐसी दुनिया की बहुत सारी जो भाषाएं हैं उसमें इस तरह से जो स्ट्रेस और बलागात की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग तरीके से अंकित की जाती है, पर हिंदी में चूँकि केवल बोलने की स्थिति तक ही उसका है, लेखन में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे में और भी ज़्यादा सतर्कता बढ़ जाती है कि हमें कौन से शब्द को बोलने के लिए कहाँ पे उसका आघात करना है या प्रेशर डालना है। इसकी जब हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसके जो दूसरी जो पहलू है उस पर हम आगे के जो वाक्यों का जो एक उदाहरण आएगा उसमें बताएंगे कि ये कैसे आता है। फिर तीसरा जो ध्वनि गुण है उसको हम स्वर लहर बोलते हैं, इसको देखिए इसमें कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं, कोई इसको सुर बोलता है कोई इसको सुर लहर बोलता है, दोनों में से आप कहीं पर भी मत जाइए, आपका जो आपको सुर आता है तो आप वही मीनिंग समझिए, सुर लहर आता है तो वही से बात समझिए, और केवल लहर आता है तो भी वही बात समझिए, तीनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। और ध्वनि को उत्पन्न करने वाली कंपन की जो आवृत्ति है उसको सुर का प्रमुख आधार होती है, और इसी आधार पर इसे उच्च और निम्न कहा जाता है। सुर का प्रमुख आधार स्वरतंत्री से होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्री एक जैसी नहीं होती, इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति का सुर एक जैसा भी नहीं होता। सुर में तीन भेद बताए गए हैं, ऊंचा नीचा और सम। इसको जो पाणिनि ने जो लिखने का जो तरीका बताया है वो इस तरह से बताया है, ये नीचा है ये ऊंचा है, फिर ये नीचे गया फिर सम आ गया, इस तरह से जो बोलने की और उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको इस तरह से उन्होंने उसको अंकित किया है। उच्च स्वर में नीचे की ओर ऊपर उठता है, निम्न से में ऊपर से नीचे आता है, जैसे मैंने आपको बताया ये यहाँ से चला ये आपकी उच्च की स्थिति है, फिर ये नीचे आ गया ये आपकी निम्न की स्थिति है, तो ये जो ये निम्न की स्थिति सॉरी ये सम की स्थिति है, ये निम्न की स्थिति है, जो यहाँ से ये उठ इस दोनों के बीच की स्थिति है, ये जो स्थिति है तो सम में बराबर होता है। इसे जो आधुनिक भाषा विज्ञान में उच्च स्वर निम्न स्वर और सम स्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही जो पाँचवा जो ध्वनि का जो गुण है जो लेखन में नहीं है पर बोलने में है उसको हम बोलते हैं अनुनासिकता, और अनुनासिकता का भी मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था और उसमें आपको कहा था कि अनुनासिकता का जो संबंध है वो खंडेतर ध्वनि से है, सुप्रा सेगमेंटल फीचर से है, उसको हम प्रोजोडिक फीचर भी बोलते हैं, सुप्रा सेगमेंटल फीचर भी बोलते हैं, उसको कई लोग जो है वो सेगमेंटल फीचर भी बोलते हैं, और इसमें जो लेखन की जो प्रक्रिया है इसको बोलने में और उसमें दोनों में एक ही फ़र्क है कि जो चंद्रबिंदु जो लिखा जाएगा उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नाक और मुंह दोनों में वायु के बाहर निकलने के से होगा, और अगर मान लीजिए केवल नाक से हो रहा है तो वो आपका अनुस्वार होगा, वो अनुनासिकता की स्थिति नहीं होगी। ऐसे इसको हम लेखन में हमने इसको दिखाया है संवार और सवार और इस तरह की जो आपको अर्थ जो है दोनों में फ़र्क। अब देखिए ये इन दोनों में अगर आप कई लोग जो है इसको चंद्रबिंदु की जगह बिंदु ही लिखते हैं और फिर ये और ऊपर से दावा करते हैं मैं तो ऐसा ही लिखता हूँ, तो वो उन बच्चों के साथ किस तरह का जो है एक धोखा कर रहे हैं उसको आप समझिए कि आप अगर मान लीजिए वो एक ही चीज़ लिखते हैं तो फिर दोनों का मतलब भी एक ही होना चाहिए, तो वो आप उनके साथ मत जाइए, आप जो भाषा विज्ञान के जो तकनीकी जो पहलू है उसके साथ जाइए और उसी को आप एग्ज़ाम में एडोप्ट कीजिए। आप उसको एडोप्ट करेंगे तो शायद आपकी मेरिट अच्छी हो सकती है, और आप अगर उन टीचर्स के साथ जाएंगे जिनका फार्मूला ही है कि मैं तो यही पढ़ाता हूँ, या आप कोचिंग में पढ़ने आते हैं तो आप विशेषज्ञ बनने नहीं आते, अरे अब जब आप खुद विशेषज्ञ नहीं हो तो दूसरों को विशेषज्ञ बनने से क्यों रोकते हैं? ये जो स्थितियाँ जो आपकी हिंदी में बन गई है उन स्थितियों से भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और आपको हिंदी को जो है हिंदी की तरह पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें एक जो तीसरी जो चीज़ है जिसको हम सॉरी पांचवी जो चीज़ है जिसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, जिसको पाणिनि जी ने भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है, और इसमें इन्होंने कहा कि ये जो संगम और संहिता की जो स्थिति है ये बेसिकली ये जो इसमें फॉन्ट का कुछ हमारा प्रॉब्लम है, ये संहिता का जो डॉट इसके साथ चले जाता है, आप इसको आप माफ़ कीजिएगा हमें लिखने में,
जिन भाषिक ध्वनियों का प्रयोग वाक्य में होता है उन ध्वनियों की सीमाओं को स्पष्ट होना अनिवार्य होता है कि इन्हीं दो भाषिक इकाइयों के बीच में कुछ क्षण के लिए रुक जाता है और तो उस अनुच्चरित समय का सीमांकन होता है। इस प्रकार के समय सीमांकन को संहिता या संगम कहा जाता है। यदि उपयुक्त संगम या संहिता न हो तो अभिषिप्त अर्थ में से परे अर्थ निकलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप एक उदाहरण देखिए, इसमें वही जो आपको जो मैंने रशियन जो भाषा का जो एग्जाम्पल बताया दोम और दोमा का, वैसे ही हमारे यहाँ भी जो है वो लेखन में उसका अंकन नहीं है पर बोलने में है। जैसे खाली, खापे, अगर आपका स्ट्रेस है तो मीन्स वो खाली के उसके लिए, अगर आप लीपे है तो खा लिया पे हो जाएगा कि मैंने खा लिया या मैंने रोटी खा ली, तो उसका जो है उसकी स्थिति में आ जाएगा। जैसे पी और पीली, पी पीना मंस पीना भी होता है और ये ली का मतलब लेना भी होता है, तो ये पीली का जो है आप किस पे स्ट्रेस करते हैं बोलने के समय, क्योंकि हमारे यहाँ लेखन में ये चीज़ें नहीं है इसलिए आपको वहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे आप देखेंगे उग आया, उग आया, बंद रखा, बंद खा गया, इस तरह का के जो अर्थों का जो अनर्थ होता है उससे आपको सतर्क रहने की है। और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो इस संगम का जो दिया जाता है वो रोको मत जाने दो के अर्थ में दिया जाता है। रोको मत मतलब मत पे आपका अगर स्ट्रेस है, बलाघात है, तो मतलब रोको, यहाँ कोम आपका, रोको मत जाने दो। और अगर ये है रोको पे आपका इस पे है तो रोको मत मतलब उसको जाने दो। दो मीनिंग उसके निकलते हैं, अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। जब मैं पढ़ता था भाषा विज्ञान तो हमारी एक मैडम थी, तो मैडम के सामने मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आता था, हंसती हुई लड़कियां खतरनाक हो सकती है, जैसे उड़ते हुए जहाज खतरनाक हो सकते हैं, ये एक यूरोपियन भाषा विज्ञान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया था और उसमें भी जो स्थितियाँ हैं वो ऐसी ही स्थितियाँ बनती है। उसको आगे की हम एक क्लास में संदिग्धता की जो अर्थ की जो संदिग्धताएँ हैं उसमें हम आपको उसको आपको डिटेल में समझाएंगे। तो इस तरह के जो व्याकरण की जो चीज़ें हैं उन व्याकरण की चीज़ों को आप सो कॉल्ड पोजीशन में लेकर के मत जाइए, उसको आप सिद्धांतों की उसमें आप पिरोइए, सिद्धांतों में पिरोएंगे तो शायद आप अपने लिए कम से कम ठीक करेंगे। भारतीय परंपरा और शास्त्रों में अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिसमें यह सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि उच्चारण का कितना महत्व था। यदि हम एक एग्जाम्पल जो संस्कृत के जो काव्य हैं, संस्कृत के जो शास्त्र हैं उनमें ये बात आती है, इंद्र शस्त्रु में प्रथम अक्षर पर उद्दात हो तो बहुब्री ही समास होगा। ये आपके एग्जाम्पल में जब समास में जब हम आएंगे तो बात करेंगे। और इंद्र है शत्रु जिसका बहुब्री होगा तो इसका ये मीनिंग होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे जो अंतिम उस पर अगर उद्दात होगा तो वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा और उसका अर्थ हो जाएगा इंद्र का शत्रु। तो ये जो इंद्र ही शत्रु है जिसका या इंद्र का शत्रु है, इन दोनों की जो अर्थों की जो भेदकता है ये जो है वो सुर लहर और संगम और संहिता की वजह से हो जाता है। और इस प्रकार जो भाषा की जो ध्वनि गुण है, हिंदी में जो भाषिक ध्वनि गुण है उनका अपने आप में बहुत महत्व है। इनको आप नज़रअंदाज मत कीजिए और इसको आपको देखने की ज़रूरत है। और इसको जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एक और चीज़ बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सिद्धांतों में पिरोई हुई चीज़ें हैं। ये किसी के आपके मेरे या किसी तीसरे पर्सन के कहने और उसके मानने की वजह से नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई इसका इस तरह का सिद्धांत देता है तो उसको आपको मानना चाहिए। इसी तरह इसी कड़ी में अगर हम पाणिनि की जब हम बात करते हैं और पाणिनि जी के बारे में मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि पाणिनि जी के बारे में दुनिया का जो सबसे बड़ा जो भाषाविद है जिनको नोम चामस्की कहते हैं, नोम चामस्की जो है उन्होंने एक किताब लिखी है लैंग्वेज, उसका अनुवाद हुआ है भाषा के रूप में। और उन्होंने लिखा है पाणिनि जी के बारे में कि मानव मेधा की अप्रीतम कृति जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ग्रामर के क्षेत्र में अब तक जब से मानव का विकास हुआ है अब तक जो मानव मेधा की जो सर्वोत्कृष्ट कृति है, अप्रतिम का मतलब सर्वोत्कृष्ट कृति है, वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। उसी में से मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेकर के आया हूँ और इसको आप देखेंगे तो ये श्लोक आपके सामने उसमें है और इसका जो अर्थ है वो ये है
जब किसी या कोई अक्षर कम हो तो जीवन सह हो सकता है, और जब अक्षर उचित सुर के साथ न पढ़ा जाए तो इसे पढ़ने या सुनने वाले का व्याधि से पीड़ित हो सकता है, और कोई अक्षर अशुद्ध ही उच्चरित किया जाए तो वह उच्चरित रूप दूसरे के लिए वज्र की तरह पड़ता है। और यही है जो नौसिखिए जो अध्यापक जो नौसिखिए टीचर जो नौ शिक्षक आपको हिंदी की ग्रामर पढ़ा रहे हैं उसमें जाएंगे तो ये दोहा आपके ऊपर सटीक बैठेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन न्याय कर रहा है और कौन धोखा कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने जो कहा और जो आपको समझ में आया उसको आप भाषा विज्ञान के और व्याकरण के सिद्धांतों की कसौटी पर कस करके अपनाइए, किसी के मेरे कहने पर भी मत अपनाइए। आपको जहाँ भाषा विज्ञान की अच्छी जो किताबें मिलें, अच्छी जो किताबों में जो उसके जो आपको साइंटिफिक तरीके से आप उसको देखते हैं, आजकल गूगल का ज़माना है, गूगल पे सर्च करके देखिए और वहाँ आपको चीज़ें जब मिलती है उसको आप जो आपको साइंटिफिक लगता है उसको मानिए तो शायद आपका होगा। और ये जो सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इसको आप अगर विस्तार से और गूढ़ता से और गहनता से और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो आपको भाषा विज्ञान की और व्याकरण की हर शाखा की जो है अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे आप पदों के लिए जो है आपकी जो है उसके लिए रूप विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, वाक्यों के अध्ययन के लिए आपको वाक्य विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, अर्थ के अध्ययन के लिए अर्थ विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, ध्वनियों से संबंधित अध्ययन के लिए ध्वनि विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी की सारी जो चारों जो शाखाएँ हैं वो आपको विधिवत रूप से आप पढ़ेंगे, आप अच्छे से उसको अगर पढ़ेंगे तो आपकी सारी जो समस्याएँ हैं उनका समाधान होगा। अन्यथा आप किसी अच्छी ग्रामर की किताब को पढ़िए। देखिए ग्रामर की किताब बहुत सारी लिखने वाले लोग हैं और उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो आप ही तय करिए कि कौन सी ग्रामर की किताब अच्छी है, पर जो कचरा मार्केट में है उससे आप बचिए। और आप ये सारी जो चीज़ें हमने आज जो डिस्कस की वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे जो ग्रामर में जो आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको एक बता रहा था कि मैं एक वीडियो देख रहा था तो वो वीडियो में बता रहे हैं टीचर कि आप विशेषज्ञ बनने के लिए क्लास में मत आइए, आप परीक्षा पास करने के लिए आई। पर शायद वो ये भूल जाते हैं कि वो विशेषज्ञता की जो स्थिति है, अगर मान लीजिए कोई विशेषज्ञ मान लो पेपर सेट कर देता है तो फिर क्या होगा, फिर उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो आप ऐसी भ्रम की स्थिति में मत जाइए, आप किसी के बहकावे में मत आइए, आपको जहाँ से अच्छा जो कोर्स मटेरियल पढ़ने को मिलता है वहाँ पर जाकर के पढ़िए, उन किताबों से पढ़िए ताकि आपके साथ आप अपनी खुद की मेधा के साथ खुद के लॉजिक के साथ जी सके, तर्क कर सके, उसके साथ खड़े हो सके। आज की क्लास में हमने ये सारी की सारी जो चीज़ें जो पढ़ी इसको अगर हम समराइज वे में दोहराएं तो आज हमने अक्षर के बारे में जाना, अक्षर कैसे बनता है उसकी संरचना के बारे में जाना, अक्षरिक संरचना कैसे होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके ढांचे कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाना। और ये सारी की सारी चीज़ें जानने के बाद हम आखिर में आए ध्वनि गुणों के ऊपर, जिसको हम प्रोजोडिक फीचर्स बोलते हैं या सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स बोलते हैं। उसमें हमने पांच पे बात की और पांचों को जो हमने एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, और ये सारी की सारी जो चीज़ है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और आगे के वीडियो के लिए आप आकर के जब भी इस वीडियो को ख़त्म करें या जब इस वीडियो की शुरुआत करें तो आप आलोकन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको पहले से ही मिल जाएगी ताकि आपका छूटे नहीं। आप सब इस क्लास में हमसे जुड़े उसके लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।